सिंप्लीफिकेशन पार्ट 17 प्रश्नमाला 4 एकक क्वेश्चन नंबर 64 इजी ही है। देखो दिया हुआ है a बाय b बराबर 6/7, तो इतना का मान निकालना है। यहाँ a बटा b है, तो इसमें अगर a बटा b यहाँ हो जाए और यहाँ भी a बटा b हो जाए, इस पर ज्यादा दिमाग लगाओ। तब जैसे ये a है ना, अंश आहार को अलग कर लेंगे, यहाँ a प्लस 2b ए माइनस 3b है, अंश को हर को अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस 2b, एक पद दो पद है, इसलिए कोष्ट देना निहायत आवश्यक है। गुने एक बटा ए माइनस थ्री बी। अब देखो ए बटा बी का मान दिया है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसको एक से गुना करो तो अंश हो गया इतना, एक को इससे गुना करो तो इतना हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख, देखो a बटा b का मान दिया है, तो a प्लस 2b, एक में b से गुना कर दो और यहाँ b से गुना कर दो, तो ये b या b कट जाएगा, ये वाला लिख दो। ये इसलिए करेंगे तो a बटा b का मान दिया है, अब इसको अलग करेंगे, ये तो कई बार बतला है, a बटा b जोर 2b बटा b, ये एक पद है, अंश है, ये b से भाग दिए, ये पूरा अंश है, तो ये अंश हो गया, पूरे अंश को पोस्ट में दे देंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/3 को 1/3/2 a बटा b बटा c के रूप में, ये और ये गुना हो जाएगा जी 2/3, तो इसीलिए ये नीचे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ a माइनस बी 3b बाय बी a बटा b बटा c, ये गुना हो जाएगा। फायदा क्या होगा, तो ये हो गया a बटा b प्लस b, b कट गया तो 2 होगा जी, गुने 1/, इसको a बटा b लिख सकते हैं जी, माइनस 3b/3b, a बटा b का कितना मान दिया हुआ है, 6/7 जोर 2 गुने 1, a बटा b का मान दिया है 6/7 दिया है ना जी, तो 6/7 माइनस बी भी कट गया 3, समझे इसको जी। अब आया है 6/7 जोर 2 गुने 1/, इसका लघुत्तम ले लेंगे 7, तो 7 आया, 6 माइनस 21 इसका भी 6 जोड़ 7 दूनी 14/7 a बटा b बटा c के रूप में 7 ऊपर चला जाएगा, 6 में से माइनस 21 माइनस 15 7 कट गया 14 6 20/-15, तो काटो इसको 5 से 3 आइए 4 माइनस 4/3 को
या चार बटा माइनस तीन या माइनस को यहाँ दे दो, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं। तो माइनस चार बटा तीन आंसर, समझी? ए बटा बी देने का कारण जी। तो एक तो ये है, एक सिंपल विधि है, तो ये सब आ जाने पर फास्ट गति से बनता है। वैसे दूसरी विधि में ए बराबर तिरछा गुना होगा तो सिक्स बी बाई सेवन, तो इसको उतारो, इसमें एक मिनट लेगा। देखो ऐसे भी बन सकता है, ए बटा बी बराबर छ बटा सेवन, इसीलिए ए बराबर तिरछा गुना होगा सिक्स बी बाय सेवन। अब इसमें मान बैठा दो तो ए प्लस टू बी, आंसर को अलग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए माइनस थ्री बी, एक मान बैठाओ सिक्स बी बाय सेवन प्लस टू बी गुने, एक मान हो गया सिक्स बी बाय सेवन माइनस थ्री बी, ये हो गया सिक्स बी सात दूनी चौदह बी बाय सेवन गुने, ये हो गया सिक्स बी सेवन सिक्स बी माइनस सात या इक्कीस बी, फिर ये हो गया छ चौदह बीस बी बाय सेवन गुने सात ऊपर चला जाएगा, सात ऊपर आ जाएगा सेवन बाय माइनस पंद्रह बी, सेवन सेवन कट गया बी बी कट गया, पांच से काटो पांच सौ का बीस, पांच या माइनस पंद्रह चार बटा माइनस तीन, तो जैसे बनाओ जी। है ना दोनों विधि। आगे वाला प्रॉब्लम भी इसी टाइप का है, इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम आएगा ना, जैसे एक्स बटा वाई बराबर एक बटा तीन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक्स बटा वाई का मान दिया है, तो ये तो इक्वेशन हो गया ना, एक्स बटा वाई बराबर एक बटा तीन, तो बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी स्क्वायर करेंगे, बेस ऑफ अलजेब्रा में ये सब बतला दिए हैं, तो बराबर के पहले स्क्वायर कर देंगे तो बराबर के आगे भी स्क्वायर होगा, इतना बराबर इतना, इसीलिए एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर एक स्क्वायर यानी एक बटा तीन स्क्वायर, तीन किया नौ। अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ अंश हर को अलग अलग हटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो पद में अंश घेरेंगे गुने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर दिया है तो यहाँ वाई स्क्वायर कैसे आएगा, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर से इधर गुना कर दो और यहाँ गुना कर दो वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर कट करके बात हो गया बराबर है, लेकिन अब जो अलग करेंगे ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर कोस्ट, इसको अलग किए हैं इसीलिए कोस्ट, अन्यथा कोस्ट नहीं भी दे सकते थे, इसको एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर लाना है ना जी, तो इसी को लाएंगे घुमा करके तो वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये समझ गई ऊपर चला जाएगा, ये कट करके एक हो गया, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान एक बटा नौ है, एक बटा नौ जोर एक बटा एक हो गया यानी एक हो जाएगा जी। गुने इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर कट करके एक हो गया बराबर एक बटा नौ जोर एक लग कम लेंगे तो नौ वन प्लस नाइन गुने ये हो गया तुमको एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर एक बटा तीन, एक बटा तीन माइनस एक बटा एक यानी एक गुना होगा एक से तो इतना ही रह गया नहीं माइनस वन होगा सॉरी माइनस वन हाँ
फिर हो गया एक आना दस बटा नौ गुने एक बटा तीन लगतम एक माइनस तीन होगा ना जी बराबर दस बटा नौ गुने तीन ऊपर आ जाएगा एक माइनस टू तीन किया नौ दो पंच दस माइनस पांच माइनस पांच बाय होगा ना तो माइनस पांच बटा तीन आंसर चार है माइनस पांच बटा चार आंसर यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान एक बटा नौ है इसके बदला यहाँ पर ये हल करके ये हुआ एक बटा ये एक बटा तीन नहीं नौ होगा यहाँ पर होगा ना यही मिस्टेक हुआ था। अब देखो ये दस बटा नौ गुने इसको हल करने पर ये होगा दस बटा नौ गुने नौ ऊपर आ जाएगा बटा ये माइनस आठ हो गया नौ नौ कट गया ये दो से काटेंगे पांच ये दो से काटेंगे माइनस चार यानी पांच बटा माइनस चार आंसर। इसका जो है जैसे एक तरीका और एक्स बटा वाई बराबर एक बटा तीन इसलिए थ्री एक्स बराबर वाई इसलिए वाई बराबर थ्री एक्स होगा ना जी। डायरेक्ट मान भी बैठा देंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंश को हर से अलग कर लो एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y बराबर थ्री एक्स तो x रहने ही देंगे एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई बराबर का होल स्क्वायर गुने y बराबर थ्री एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन किया नौ एक्स स्क्वायर गुने वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस तीन किया नौ एक्स स्क्वायर तो ये हो गया दस एक्स स्क्वायर गुने वन बटा माइनस एट एक्स स्क्वायर ये कट गया दो से काटो पांच इसको चार पांच बटा चार माइनस में जैसे बनाओ लास्ट हिसाब भी इसी पैटर्न पर है एक्स बटा वाई बराबर तीन बटा दो तो इसका मान निकालना है। देखो x बटा y के रूप में लाना है इस x के नीचे y रहना चाहिए इस x के नीचे y ऐसी हालत में हम अंश हर अलग करेंगे इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर अंश को अलग कर लेंगे ऊपर वाला गुने एक बटा हर अब x के नीचे y लाना है जी। इतना बराबर इतना तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर देखो इतना बराबर इतना इसीलिए x दोनों ओर स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर तीन स्क्वायर बटा दो स्क्वायर यानी तीन किया नौ बटा चार। अब ये अंश अलग किए ये हर है तो अंश में वाई स्क्वायर से भाग दे दो यहाँ वाई स्क्वायर से एक में गुना कर देंगे ये कट करके एक यहाँ भी एक रह जाएगा नीचे में कुछ नहीं है तो वन इतना होगा जी। फिर इसको टू एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर लिख सकते हैं जी प्लस थ्री वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर ये अंश है अलग से इसको कोष्ट में रखेंगे y स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो एक बटा
कितना होगा जी? ये ऊपर आ जाएगा, ये फिर वाई स्क्वायर कट गया, दो गुने एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान कितना है? नौ बटा चार, तो दो गुने नौ बटा चार जोड़ ये कट गया तो तीन बच गया, गुने एक, फिर इसको अलग करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया कट करके, दो एक दो, दो दूनी चार, नौ बटा दो जोड़ तीन, यानी नौ बटा दो जोड़ तीन इस कोष्ठक का हो गया, गुने एक तीन गुने एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान कितना है? नौ बटा चार। नौ बटा चार, तीन गुने इसके लिए नौ बटा चार माइनस वाई स्क्वायर कट गया तो माइनस दो, ये हो गया नौ जोड़ दो तिया छ बटा दो गुने एक बटा तीन न मैं सत्ताईस बटा चार माइनस दो, नौ छ पंद्रह बटा दो गुने एक बटा ये लगतम आ जाएगा, सत्ताईस माइनस चार दूनी आठ, पंद्रह बटा दो गुने ये ऊपर आ जाएगा चार बटा उन्नीस, आठ सत्ताईस, दो दूनी चार, पंद्रह गुने दो तीस बटा उन्नीस आंसर। तो ये इस टाइप का हिसाब कैसे बनेगा इसको समझ गए ना जी। इसको उतार लो अगले पार्ट में।